असुरक्षितता ने हम में से अधिकतर लोगों के जीवनों में कोई न कोई भूमिका निभाई है, जिसके कारण हम लोग अपने आसपास अपनी एक रक्षा के लिए दीवार बना देते हैं। पर आज वो दिन हो सकता है जब आप उन दीवारों के पीछे न निकलकर असल में वो जीवन जीना आरंभ कर सकते हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप जिए। यदि आप असुरक्षितता और आत्मविश्वास की कमी से पीड़ित हैं, मैं जानती हूँ आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि मैं भी यही सहन करती थी। बचपन में शोषण होने के कारण मैं नहीं जानती थी मैं असल में कौन थी, और मैं हमेशा कोई और बनने की कोशिश करती थी। मैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीती थी, और इन सब के बीच में मैं अपनी पहचान गंवा रही थी और अपना जीवन। मैं अक्सर अपनी असुरक्षितताएं नहीं दिखाती थी। सच तो यह है कि मैं ज्यादातर नहीं दिखाती थी, पर मैं अपने मन में बहुत असुरक्षित थी। आज मैं आपको शॉन वॉल से मिलाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत उनकी कहानी से हमदर्दी दिखाएंगे और मेरे विचार से आपको आशा मिलेगी। मुझे एक शानदार जोड़े ने गोद लिया था। उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया था, पर मेरी माँ वो हताशा से पीड़ित थी और मेरे पिताजी शराबी थे। हर दिन शराब पीते थे वो। वे शारीरिक रूप से वहाँ थे, पर वे भावात्मक रूप से नहीं थे। मैं जानती हूँ कि वे मुझसे प्रेम करते थे, क्योंकि मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी, तुम्हारे डैडी तुम्हें बहुत प्रेम करते थे, और वे मुझे ये बताने के काबिल नहीं हुए थे। मैं इसके लिए गोद लेने को दोष नहीं देती, पर मेरे मन में हमेशा एक बात खटकती रहती थी कि मुझे जन्म देने वालों को मेरी जरूरत नहीं थी। इसलिए मेरी असली पहचान ये है कि मैं शायद कूड़ा हूँ। हाई स्कूल सचमुच बहुत कठिन था। 13 वर्ष की उम्र में मैंने सुनने की मशीन लगवाई और मैं सबसे अलग थलग ही थी। मैं सही लोगों के दल में शामिल होने के लिए जो संभव होता सो करती, और मैंने इस बारे में गलत फैसले किए कि मैं किन के साथ रहने वाली थी। इसके कारण मैं एक दो बार समस्याओं में फंस गई। जब मैं 15 की थी, तब मेरे किसी पहचान वाले ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं हमेशा महसूस करती कि किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती। लगभग उसी उम्र में मैं शराब पीने और कुछ मादक पदार्थ लेने लगी, ताकि उससे निपट सकूं, सबके जैसी बन सकूं, क्योंकि मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि मैं बहुत अच्छी नहीं हूं। यदि कोई सचमुच जानता कि मैं कौन हूं, तो शायद मैं उन्हें अच्छी ना लगती। उन्होंने मुझे ठुकरा देना था। मुझे अक्सर हताशा हो जाती थी। 18 वर्ष की होने से पहले मैंने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। मुझे कभी प्रसन्नता होती कि मैं अभी जीवित हूँ, और कभी दुख होता। जब मैं कॉलेज जाने लगी, मैंने पूरी शिक्षा के दौरान पीना जारी रखा। मैं लगातार इस डर में जीती थी कि सब ये जान लेंगे कि मैं असल में वो नहीं थी जो आप सोचते थे कि मैं हूँ। मैं सबसे वो छिपाना चाहती थी और सबके सामने पेश करना चाहती थी अपना नकली रूप, जो मेरे विचार से शॉन की छवि थी, और मैं आपको वो दिखाऊंगी। मैं शिक्षित थी और मेरी भी जीवन में कुछ उपलब्धि थी। मेरे नंबर तो देखो। मैं सचमुच सोचती थी कि यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे, पर्याप्त सफलता होगी, तब मैं सुरक्षित होंगी, मैं स्वतंत्र होंगी। सो मेरा उद्देश्य हमेशा से था कि मैं सफल बनूं, और ये कि जब मैं सफल बनूंगी तो मैं प्रसन्न होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं शराब पीती रही और मेरी हालत बिगड़ती गई। मैं बेशक जानती थी कि समस्या मेरे अंदर थी, मैं ये नहीं जानती थी कि उसका उत्तर भी मेरे अंदर था। मैं सोचती थी कि उत्तर किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त होगा, चाहे वो दफ्तर में ऊंचा पद हो, बढ़िया गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, या एक अच्छा पति हो। मैं अपने जीवन में ये सब चीजें एकत्र करती रही, और उनसे वो ठीक नहीं हो रहा था जो मेरे अंदर गलत था। मैं इतनी गहराई में डूबी हुई थी, व्याकुलता और हताशा और लत में, कि मुझे कोई उपाय नहीं दिखता था। हम शॉन की गवाही की ओर लौटने वाले हैं और बाकियों को कुछ ही पल में देखेंगे, पर मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत से कह रहे होंगे, मैं ये हूँ। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ वचन में से और अपने अनुभव से, इससे पहले कि हम गवाही समाप्त करें, जो मुझे विश्वास है कि आपको आशा देगी कि आप भी आत्मविश्वास पा सकते हैं और अपने को जान सकते हैं, और आपको डर में नहीं जीना है। बाइबल में लिखा है कि हमें मसीह में विश्वास रखना है, केवल मसीह में। ये फिलिप्पियों 3:3 में लिखा है, शरीर पर भरोसा नहीं रखते। वो जो हम शरीर में होते हैं, या बाहरी अधिकारों और शारीरिक स्थिति और बाहरी रंग रूप पर केवल मसीह पर भरोसा रखते हैं। आपने
शॉन को कहते हुए सुना कि उसे कभी ये नहीं सोचा था कि उसे जो चाहिए वो अंदर से मिल सकता था, जो असंभव होता है यदि मसीह आप में रहते नहीं होते, बल्कि उसे हमेशा महसूस होता कि वो किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त हो सकता है। मेरे विचार से हम सभी इससे गुजरते हैं। मैंने भी यही आजमाया था। मैं सोचती थी यदि मैं जीवन में बहुत उपलब्ध कर लूंगी, यदि मैं खूबसूरत दिखूंगी, यदि मेरे सही मित्र होंगे, और मसीह बनने के बाद भी मैं अपने गिरजे की दुनिया में इन कुछ समस्याओं का साथ दे रही थी। मैं गिरजे में सही मित्र चाहती थी, मैं गिरजे के सही सामाजिक दल में होना चाहती थी, और मुझे बहुत स्वतंत्रता मिली जब मैंने सीखना आरंभ किया कि परमेश्वर मुझे कभी उनमें से किसी चीज़ से आत्मविश्वास प्राप्त नहीं करने देंगे। इसीलिए यदि आपका भी हताश करने वाला अनुभव हो रहा है, आप कुछ आजमाते हैं, आप सोचते हैं कि वो उपाय होगा पर वो नहीं होता, कुछ और आजमाते हैं, आप सोचते हैं कि वो समस्या का उपाय होगा पर वो नहीं होता, असल में परमेश्वर स्वयं आपको उससे वो प्राप्त करने में रुकावट डालते हैं जो आप सोचते हैं। आपको उन वस्तुओं से प्राप्त होगा क्योंकि वो चाहते हैं आप पहले उन्हें और केवल उन्हें खोजे और फिर वो आपको वस्तुएं देंगे। यदि आपके मित्र प्रभाव और पदवी हो पर वो नहीं चाहते कि उनमें कुछ उनसे पहले आए, मुझे विश्वास है कि आप में से बहुतों ने देखी होंगी वो जिन्हें मैं रेगिस्तान वाली फिल्में कहती हूँ, जिनमें कोई रेगिस्तान में यात्रा कर रहा होता है, वहाँ भटक गया होता है, वहाँ पानी नहीं होता, उसके बाद उन्हें आगे पानी का तालाब दिखता है या पानी के कुएं जैसा, वो पानी की ओर लपकते हैं क्योंकि वो उनकी समस्या का हल होता है, वो वहाँ पर कूदते हैं जहाँ वो सोचते हैं कि पानी होगा, ऐसा कुछ जो उनकी प्यास बुझाएगा, पर वो देखते हैं कि वो अभी भी रेत के ढेर में हाथ पाँव मार रहे हैं, उन्हें मृग चीरा कहते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत बार हमें जीवन में मिथ्या दर्शन होते हैं, हमें अपने सामने कोई चीज़ दिखती है और हम सोचते हैं काश मुझे वो तरक्की मिल सकती तब मुझ में आत्मविश्वास होगा, यदि मेरी त्वचा त्रुटिहीन हो जाएगी तब मुझ में आत्मविश्वास होगा, यदि मेरा वजन कम हो जाएगा मुझ में आत्मविश्वास होगा। जानते हो जब हम ये नहीं जानते कि हम मसीह में कौन हैं, जब तक हम अन्य स्रोतों से आत्मविश्वास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और हमें परमेश्वर से वो प्राप्त करना चाहिए, उसके कारण हमारे जीवन में अन्य बहुत सी समस्या होती हैं, उसके कारण हम बहुत से डरों में जीते हैं, विशेष रूप से अपने बारे में डरों में, उसके कारण हम कामों से स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं हम केवल एक ही तरीके से स्वीकार किए जाएंगे यदि हम बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे जैसा लोग चाहते हैं। एक और बात यह होती है कि अन्य लोगों से अपनी तुलना करने आवश्यकता महसूस करते हैं, पर किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो हमारे विचार से अच्छा नमूना हो, कि किसी को ऐसे दिखना और होना चाहिए। और गिरजे में दायरों में भी हम ऐसा करते हैं, हम गिरजे में मध्यस्थता करने वाले की जितनी प्रार्थना करना चाहते हैं, हम अपनी पहचान के उस व्यक्ति की तरह वचन याद करना चाहते हैं जिसकी हम जानते हैं अच्छी याददाश्त है, हम एक वर्ष में पूरी बाइबल पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारी पहचान का कोई एक वर्ष में पूरी बाइबल पढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे उद्देश्य सही नहीं है, हम ये काम इसलिए नहीं करते होते हैं क्योंकि उन्हें करने के लिए पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, हम मुकाबले की भावना से करते हैं इसलिए कि हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। ये प्यारा है, यदि आप फिलिप्पियों 3 पढ़ना जारी रखेंगे, पौलुस प्रेरित के पास अक्षरश पर एक सांसारिक कारण था आत्मविश्वासी होने का, मेरा मतलब वो एक अभिजात दल में थे, बहुत शिक्षित थे, उन्हें धर्म का बहुत ज्ञान था, उन्हें सही मित्र थे, सही कपड़े थे, वो एक अच्छे इलाके से थे इत्यादि, पर फिर भी उन्होंने कहा कि मैं उस स्थिति में आया हूँ जहाँ मैं जानता हूँ कि ये सब पूरी तरह बेकार और व्यर्थ है, इसका बिल्कुल कोई मूल्य नहीं है और मैं इसे कूड़े की तरह बाहर फेंकता हूँ ताकि मैं मसीह में पाया और जाना जाऊँ और मुझ में धार्मिकता हो, वो धार्मिकता जो केवल मसीह ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे वो धार्मिकता नहीं चाहिए जो मेरी अपनी बनाई हो क्योंकि मैं सोचूं कि मैं सब कुछ सही करता हूं, पर मैं वो धार्मिकता चाहता हूं जो केवल ये दे सकते हैं। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप आशा कीजिए कि आपको ऐसी स्थिति में न रहना पड़े जहां असुरक्षितता हो, आत्मविश्वास की कमी हो, तुलना और मुकाबला हो, आप असुरक्षितता से मुक्त हो सकते हैं। चलिए अब हम शॉन की कहानी की ओर लौट कर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन उसे शांति की अवस्था में ले जाता है। एक रात मैं नशे में थी, सचमुच बहुत नशे में, और मुझे अपने मुंह से ये निकलना याद है, परमेश्वर मदद कीजिए, मेरी मदद के लिए किसी को भेजिए। उसके कुछ समय बाद मुझे कुछ लोगों का दल मिला। उन लोगों ने मुझसे कहा, देखो मदद उपलब्ध है, तुम्हारी समस्या का एक उपाय है और वो एक आत्मिक उपाय है। ये सुनते ही मैंने कहा, रहने दीजिए, आत्मिक? आप मजाक कर रहे हैं, मुझे उस पर विश्वास नहीं, मैं
मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, धन्यवाद पर मुझे दिलचस्पी नहीं है। तब उन्होंने कहा, नहीं, तुम हर उस पूर्वाग्रह से मुक्ति पाओ जो तुम में परमेश्वर के बारे में है, और उन्हें खोजो, उन्हें सचमुच खोजो। और मैंने परमेश्वर से पूछा, मैं इस समस्या में कैसे पड़ गई? तब परमेश्वर ने मुझे मेरे बारे में सत्य बताया। मुझे ऐसे महसूस हुआ मानो किसी ने मुझ पर से एक बादल हटाया था और अब मैं सचमुच देख सकती थी कि मैं कौन थी। उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम्हें आइंदा इस तरह से रहने की आवश्यकता नहीं है और मैं तुम्हें इसका तरीका बताऊंगा। परमेश्वर ने जैसे सचमुच मुझे जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के द्वारा तरीका दिखाया, उनके टीवी प्रोग्राम के द्वारा। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे सबसे बुरे दिन में भी वो मुझे मेरे बढ़िया दिन जितना प्रेम करते हैं। उनका मेरे लिए प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है, प्रेम उनकी पहचान है। जो जो मैं जॉयस की शिक्षाएं ग्रहण करने लगी, मैंने सचमुच बाइबल का अध्ययन करना आरंभ किया, क्योंकि वे इस पर बहुत जोर देती हैं। वे कहती थी, याद रखो, मेरा टीवी प्रोग्राम अपने लिए वचन का अध्ययन करने और उन पक्षों का अध्ययन करने का स्थान नहीं ले सकता जिसकी तुम्हें जरूरत है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, आप हर समय कितनी प्रसन्न रहती हैं, जानते हो आप में कितनी स्फूर्ति है। मुझे ये सुनकर हंसी आती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ, काश कि तुम जानते होते, काश तुम मुझे कुछ वर्ष पहले जानते होते, मैं वो मनुष्य नहीं हूँ। वो बहुत बढ़िया मौका होता है जहाँ मैं उनसे कहती हूँ, आप सचमुच कारण जानना चाहते हैं, आप तरीका जानना चाहते हैं, ये है तरीका। मैं उन लोगों को जॉयस के साधन पकड़ाती हूँ जो लेना चाहते हैं। वे हमेशा मेरे पास लौटते हैं और पूछते हैं, क्या हमें एक और साधन मिलेगा, क्योंकि वो सच्ची मनुष्य है। मेरे पास जो है और मैंने जो किया और आज मेरे पास जो है, वो सबके लिए उपलब्ध है, जो भी वो चाहे। क्या आप जीवित हैं? क्या आप सांस ले रहे हैं? आपके लिए आशा है। क्या आज आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आज आप परमेश्वर को जानने के इच्छुक हैं? आपके लिए आपकी कल्पना से अधिक आशा उपलब्ध है। वो पूरी तरह से अंधेरी जगह, आप जहाँ से भी आरंभ करते हैं वो शुरुआत होती है। सफर के दौरान प्रकाश बढ़ने लगता है। आपको इस वक्त चाहे जो भी समस्या हो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि कभी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ सचमुच उसके अधिक आशा होती है जितनी कि हम कल्पना कर सकते हैं। लौट कर आने पर मैं शॉन के साथ बातचीत करूंगी। आज के प्रोग्राम के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, इसलिए ये निश्चित कीजिए कि आप प्रोग्राम में अंत तक हमारे साथ रहेंगे। शॉन, आपकी बहुत बढ़िया गवाही, और मुझे गवाहियां प्यारी हैं क्योंकि उनसे दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि यदि परमेश्वर आपके लिए वो कर सकते हैं तब परमेश्वर उनके लिए भी वो कर सकते हैं। मुझे ये शब्द भी पसंद है, सो जो कोई, यानी परमेश्वर के वादे हर किसी के लिए है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? मेरे लिए इसका ये मतलब है कि जो कोई भी सीखेगा कि क्या वादे हैं, परमेश्वर का वचन क्या है। जहाँ तक मेरी बात है, सीखने ने बहुत से भिन्न भिन्न रूप लिए थे। मुझे वचन को पढ़ने की आवश्यकता थी। बेशक मैं हर दिन प्रोग्राम देखती थी और परमेश्वर का वचन बार बार बोलने से, यदि परमेश्वर कहते हैं कि मैं शक्तिशाली, बहुत बहादुर और हृष्ट पुष्ट हूँ, मैं वैसा नहीं महसूस करती थी, बिल्कुल नहीं। पर वो बोलने के बाद वो मेरे दिल में बैठ गया। वो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है, और मैं ये बताती हूँ लगभग हर सभा में जो मैं करती हूँ कि परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। आप असल में उस पर अधिक विश्वास करते हैं जो आप करते हैं, कहते हैं, उसके मुकाबले जो आप किसी और को कहते हैं, सुनते हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर का वचन बोलना आरंभ करते हैं, और जैसा आपने कहा, आरंभ में आप उसे महसूस नहीं करते, परिस्थितियां वैसी नहीं महसूस होती, आप उस तरीके से सोचते नहीं है, पर वो असल में सचमुच आपके मन का नवीनीकरण करता है। आपने बताया कि आपने वो इस्तेमाल की जिसे हम नन्ही बैंगनी किताब कहते हैं, वो मेरे द्वारा तैयार की ऐसी किताब है जो बांटी जाती है वचनों के भिन्न भिन्न श्रेणियों में, ताकि आप ये बातें बोल सकें। जी हाँ, सबसे मददगार बात ये थी कि मैंने आपकी एक शिक्षा की सीडी में किताब के बारे में सुना था, और आपने अपने सुनने वालों से ये जिक्र किया था कि जब आप ये करना आरंभ करेंगे तो आपको ये मूर्खता लगेगी। तब मैंने सोचा, मूर्खता से जीने से बेहतर है मूर्ख महसूस करना। मैंने वो करना आरंभ किया, चाहे मुझे जैसा भी महसूस होता मैं वो कहती रही। उसके बाद सचमुच बहुत थोड़े समय में वो मुझ में समा गया जो मैं इस दौरान बोल रही थी और महसूस कर रही थी। मेरे विचार से ये दोहराना अच्छा होगा जो आपने अभी कहा कि कई बार मूर्खों जैसा महसूस करना अच्छा होता है मूर्खों जैसे जीने से। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सोचते हैं, मैं घूम घूम कर अपने से ऊंची आवाज में बात नहीं करने वाला हूं, पर आप जैसे भी अपने आप से बात करते हैं, अंतर केवल इतना है कि आप अपने से क्या कहते हैं। इसलिए असल में वचन पर ध्यान लगाने और परमेश्वर के वादों पर ध्यान लगाने का अर्थ है उन पर
विचार को बार बार अपने मन में घुमाना और उन्हें गुदबुदाना, धीरे धीरे मुंह में या जोर से उन्हें बोलना, इसलिए हमें आवश्यकता है परमेश्वर का वचन जोर से बोलने की और वो बोलने की जो परमेश्वर कहते हैं। मैं लोगों से कहती आई हूँ, आपको परमेश्वर के साथ सहमत होना है। मैं जानती हूँ कि लोग ये सोचना पसंद करेंगे, अच्छा ठीक है, यदि मैं एक दो दिनों के लिए ऐसे करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, पर ये इस तरह काम नहीं करता है ना। तो ये एक यात्रा है, हमें अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोग जाने जिसके लिए समर्पण कर रहे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत असल में आपका प्रोग्राम देखकर हुई थी। किसी बात ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और आप पहले ही मसीह थी जब आपने प्रोग्राम देखना आरम्भ किया। पूरी तरह से नहीं, मैं कह सकती हूँ की सुनिश्चित तौर पर मेरा साल 2000 में उद्धार हुआ था, पर मैं सचमुच नहीं जानती थी मैं क्या कर रही थी, मानो संयोग से गिर चली गई। आपको मसीह पर विश्वास था पर आप उस पर अमल नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी बाइबल नहीं खोली थी, मैं कभी गिरजे भी नहीं गई थी, पर मैंने आपका प्रोग्राम देखना आरंभ किया था और मैं तुरंत ही ये जान गई कि आपके पास जवाब है। मैं जान गई कि आपके पास वो जवाब है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। सो मैं प्रोग्राम देखती रही देखती रही। उसके बाद मैं संसाधन मंगवाती, उन्हें बार बार सुनती। विशेष तौर पर वो जब हम पहली बार कुछ सुनते हैं तो हम बहुत सी अच्छी बातें सुनते हैं, पर हमें दोबारा वो सुनने की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बैंगनी किताब का जिक्र करते सुना था, मुझे याद नहीं मैंने पहले क्या मंगवाई थी और मुझे पहले कौन से वाली मिली थी, द एवरीडे लाइफ बाइबल या बैंगनी किताब। ये हमारी अध्ययन बाइबल है, द एवरीडे लाइफ बाइबल, ये विस्तारित प्रति के बनाई अध्ययन बाइबल। उससे मुझे बहुत मदद मिली, विशेष रूप से शिक्षा के नोट्स वाले छायित स्थान, इसलिए मैं वो व्यवहारिक रूप से समझ सकती थी जो मैं पढ़ती थी। इससे मुझे अपने अतीत से लेकर वर्तमान तक समझ आता था, इसलिए मैंने पढ़ना आरंभ किया। मैं जानती हूँ कि आपने अपने एक प्रोग्राम में सुझाव दिया था नीति वचन पढ़िए, एक दिन के लिए एक नीति वचन है, इसलिए मैंने वहीं से आरंभ किया। मैंने थोड़े से आरंभ किया और वो बढ़ता गया, और मैंने थोड़ा बहुत किया कि मेरा मतलब मैंने हर दिन 5 मिनट प्रार्थना करना आरंभ किया। अच्छा, मैंने सोचा कि वो बढ़िया है, पर जो जो मेरे दिन बेहतर होने लगे मेरे लिए ये समझना कठिन नहीं रहा कि यही वो चीज थी जिसकी मुझ में कमी थी, इसलिए मैंने जारी रखा। यदि कुछ अच्छा होता है तो आप उसे अधिक करते हैं और इसलिए वो बढ़ने भी लगता है। मेरे विचार से आज हमारे दर्शकों के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक सफर है और ये कि परमेश्वर हमें थोड़ा थोड़ा बदलते हैं बाइबल के अनुसार महिमा दर महिमा। सबसे पहले मैं तुम्हारी प्रशंसा करना चाहूंगी क्योंकि तुम उसके साथ डटी रही जो परमेश्वर ने तुमसे करने को कहा था। ये सोचना सचमुच मूर्खता होती है कि आप 25, 30, 40 या उससे अधिक वर्षों तक गलत जी सकते हैं और उसके बाद आप उन समस्याओं को हल करेंगे 1 या 2 सप्ताह में। मैं ये इस तरीके से काम नहीं करता। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें परमेश्वर को भी उतना समय देना चाहिए जितना शैतान को देते हैं। हमें उन्हें कम से कम अपने पर उतना समय काम करने देना चाहिए। असल में उन्हें हमें चंगा करने में इतना समय नहीं लगता जितना शत्रु को हमें समस्याओं में डालने में लगता है। नहीं, कई दिन ऐसे थे जायज जब मैं इस सब से थक जाती थी और मुझ पर काम का बोझ होता था, तब मैं सोचती नहीं, पहला काम पहले और ये पहला काम है। मेरा मतलब परमेश्वर के साथ सुबह समय गुजारना एक पहला काम है, चाहे इसके लिए मुझे घर में किसी और के उठने से पहले जागना पड़े। और तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं। जी हाँ। क्या उम्र है तुम्हारे बच्चों की? 7 और 9। तो ऐसा नहीं है कि तुम हर दिन उठकर वो कर सकती हो जो तुम करना चाहो। तुम्हारे एक पति है, 2 बच्चे हैं। क्या तुम घर के बाहर काम करती हो? काम करती हूं। तो तुम काम भी करती हो, फिर भी तुम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देती हो और तुम कहती हो ये केवल मैं नहीं आप भी कर सकती है, पर यहां कोई और है जो कर रहा है। मुझे परमेश्वर के साथ अपने समय को पहला स्थान देना है अपने जीवन में। मेरे विचार से लोगों को हैरानी होगी कि ये कितना बदल जाएंगे यदि वो ऐसा करेंगे। आपको उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, असुरक्षित होने की कुछ समस्याओं से जब तुम मुक्ति पा रही थी, क्या तुम सोचती हो कि 1 या 2 ऐसी बातें जो तुम्हारी राह में सचमुच बड़ी रुकावट थीं, यानी वो कौन सी चीज थी जिस पर तुम्हें विजयी होना थोड़ा कठिन लगा? सबके सामने बोलना। हाँ बिल्कुल। मुझे हमेशा ये विचार सताता कि मैं उबाऊ थी, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, मैं मूर्ख थी। मैं नैसर्गिक रूप से जानती थी कि ये सत्य नहीं है, पर मेरी भावनाएं शासन करती थी, मेरी भावनाएं मुझ पर हावी थी। क्या तुम्हें असल में डर के दौरे पड़ते थे? मुझे सचमुच बहुत कष्ट उठाना पड़ा डर के दौरों से, उस समय जब मैं 15-16 की थी और तब तक जब मैं 40 वर्ष की नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि हमारे बहुत से दर्शक हैं जिन्हें बिल्कुल यही समस्या है। तो क्या तुम्हें परमेश्वर के वचन द्वारा उससे मुक्ति मिली थी? हाँ, और ये सचमुच एक चमत्कार है। पर जैसा आपने कहा, हमें महिमा दर महिमा बचाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक सुबह जागने पर वाह मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। इस राह के हर कदम में मुझे अपने विश्वास को इस्तेमाल करना पड़ा है। मुझे
हर दिन अपना विश्वास मुक्त करना पड़ता। डर के दौरों की समस्या ये थी कि वे मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण थे। तुम बुरा महसूस करती जब तुम्हें दौरा पड़ता। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी को पता चले। हम उसे दुनिया से छिपाना चाहते हैं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। मनुष्यों का डर, क्योंकि जब वो होता है उसे छुपाना बहुत मुश्किल होता है ना। वो सबसे बदतर होता है और हम बहुत शर्मिंदा होते हैं, लज्जित होते हैं। वही मेरा सबसे बड़ा भय। इसलिए तुम लोगों से छिपती फिरती थी और बाहर जाकर कुछ करना भी नहीं चाहती थी। परिस्थितियों से बचती, कहीं नहीं जाती। हाँ। मैं सचमुच कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं सोचती थी मेरे लिए ये सब ठीक ठाक है, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे, उन्हें मेरे कारण कष्ट सहना पड़े। उसके कारण जो मुझ में गलत था, दरअसल मुझे ये समस्या थी और इसी से सफर आरंभ हुआ। मैंने सोचा मुझे इससे मुक्ति पानी होगी, मैं आइंदा इस तरह नहीं जी सकती। ये सत्य, और आप सचमुच ठीक नहीं हो सकते जब तक आप सचमुच होना न चाहें। मेरा मतलब है कि आपको सचमुच कोशिश करनी होगी। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करते हैं, पर वो आपको लिए सब कुछ नहीं करने वाले। इन मामलों में भी जैसे असुरक्षितता, डर और डर के दौरे और वैसी अन्य समस्याएं, यदि आप अपनी दवाई नहीं लेंगे या परमेश्वर का वचन नियमित तौर पर, तब कई बार आप दोबारा उन बातों की ओर लौट जाएंगे जिनसे आपको मुक्ति चाहिए। वो एक मिनट में रेंग कर आ जाएगा सचमुच। और डर की सर्वोत्तम दवा है परमेश्वर का वचन। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, वो है परमेश्वर पर विश्वास। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी सहभागी हैं और हम इसकी सचमुच कदर करते हैं। आपको किस वक्त आवश्यकता महसूस हुई हमारी सहभागी बनने की? वो एक दो चरणों की प्रक्रिया थी। एक प्रोग्राम की समाप्ति पर आपने जिक्र किया था कि बाइबल के अनुसार हमें संपर्क करना चाहिए उन लोगों से जो तुम्हें सिखाते हैं। हमें उन पक्षों में बीज बोना चाहिए जहां हमें आत्मिक भोजन मिलता है। तब मैंने सोचा वाह, ये बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब उस वक्त आप मेरी जानकारी का स्रोत थी। और उसका दूसरा हिस्सा ये था कि मैं शिक्षा की सीढ़ी चाहती थी। मैं हर माह की सीढ़ी चाहती थी। तो तब मैंने सोचा ये बढ़िया रहेगा, ये अच्छा तरीका है वो करने। ये अच्छा तरीका है मेरे लिए कुछ देने और कुछ पाने का। ठीक। इसलिए मुझे हर महीने संसाधन पाकर प्रसन्नता होती और साथ ही मैगजीन। मैं नहीं जानती थी कि मुझे मैगजीन मिलने वाली थी। मुझे मैगजीन मिलनी आरंभ हुई और मैं पूरी मैगजीन पढ़ती थी और उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता था। उससे इस बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई कि सेवकाई क्या कर रही थी, क्योंकि मैं ना समझूं की तरह सोचती थी कि वो केवल एक टीवी प्रोग्राम है। मैं उस सब के बारे में नहीं हमारे जानती सभी थी जो आप... सेवा के कामों के बारे में जानती हूँ। हम सचमुच तुम्हारे भागीदारी की कदर करते हैं और साथ ही उन सब लोगों की जो पहले से हमारे भागीदार हैं, क्योंकि मैं सचमुच मानती हूँ कि न केवल हमारी मदद होती है आपकी हिस्सेदारी से, बल्कि आपकी मदद होती है। मेरे विचार से गलत होता है हमेशा लेते 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 रहना और कभी उस अवस्था में न पहुंचना जहां आप बदले में नहीं देते। सो मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं कि आज तुम प्रोग्राम पर आई और हमारे भागीदारों को बताई अपनी गवाही। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और मैं आपको एक मिनट हिस्सेदारी के बारे में प्रोत्साहित करना चाहूंगी। सो धन्यवाद शॉन आज प्रोग्राम पर आने के लिए। धन्यवाद, तुम खूबसूरत हो। परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर रहे। आज आपने एक प्रशंसनीय गवाही सुनी कि हम कैसे मुक्त हो सकते हैं असुरक्षा, डर, डर के दौरों से। आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। आप वो जीवन जी सकते हैं जो आपको दिलवाने के लिए यीशु मरे। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये केवल एक ऐसी, हाँ ये एक ऐसी गवाही है, पर याद रखिए परमेश्वर सभी से एक जितना प्रेम करते हैं, वो पक्षपात नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वादे हम सभी के लिए हैं, केवल उनके लिए नहीं जो आप वादों का फल प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि जो कोई भी वो हिस्सा करेगा जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा है, वो हमेशा आपको वो करने की शक्ति और काबिलियत देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वो मदद पाएं जो आपके लिए संभव है। जानते हो यदि आप ऐसे मनुष्य है जिसे इसकी आवश्यकता नहीं और जो कहता है परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इससे मुक्ति पा चुका हूँ, मुझे ये समस्या नहीं है, आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है हमारे सहभागी बनने का और दूसरों के जीवन में बीज बोने का जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मान लीजिए हमारा कोई सहभागी न होता, तब हम टीवी पर नहीं आ सकते थे और जब शॉन उत्तरों को ढूंढ रही होती, उसे प्रोग्राम से वो नहीं मिल पाता जो वो चाहती है, वो ये नहीं कर रही थी कि परमेश्वर ने किसी अन्य तरीके से उसकी आवश्यकता पूरी नहीं की। हम जानते हैं परमेश्वर उसके द्वारा काम करते हैं जिनके द्वारा कर सकते हैं, पर मैं केवल ये कह रही हूँ कि यदि आप हमारे सहभागी हैं, तब आप इसका एक कारण है कि आज उसकी एक गवाही है। आप से जो हमारे सहभागी नहीं है, आप हमारे सहभागी बन सकते हैं, किसी अन्य के लिए वही चमत्कार कर सकते हैं। मुझे
ये कहना प्यारा है, मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, आप जो किसी और के लिए उपलब्ध करवाते हैं परमेश्वर आपके लिए वो साकार करते हैं। यदि आपको अपने जीवन में चंगाई की आवश्यकता है, सबसे बढ़िया कामों में से एक होता है किसी जरूरतमंद की मदद करना। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, उसके बाद हम आपको हिस्सेदारी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पिता, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम पर आज उन दर्शकों के लिए जिन्हें डर और असुरक्षितताएं हैं, जिसमें आत्मविश्वास की कमी है। हम जानते हैं कि आपको उनके लिए ये इच्छा नहीं है कि वो इस अवस्था में जिए, इसलिए मैं उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, पूर्ण कहानी के लिए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि वो आपके साथ भागीदारी करें। सबसे पहले और जरूरी है कि वो आपके भागीदार बने और हम छोटे से छोटा काम जो आप उन्हें करने को कहें वो उसे करें। तो आपके वचन से प्रेम करें, वो आपके वचन का अध्ययन करें, वो आपके वचन का इकरार करें और वो हर दिन विश्वास करें कि वो वचन उन्हें बदल रहा है और चंगा कर रहा है। मैं उनके बचाव और मुक्ति के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम पर, आमीन। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।